मूक बधिर लड़की का अपहरण कर बंधक बनाने का डायल 100 पर लगा आरोप। योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है बेटियां। आए दिन हो रही हैं बेटियों के साथ अत्याचार। मूक बधिर लड़की का किया अपहरण, डायल 100 पर लगा अपहरण करने का आरोप। डायल 100 पर पूरा दिन बंधक बनाकर लड़की को कमरे में बंद रखने व मारपीट करने का आरोप परिजनों ने थाना अध्यक्ष, सीओ सहित उप जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। थाना अध्यक्ष पर धमका कर अंगूठा लगवाने व थाने से भगाने का आरोप। आपको बताते चलें कि ताजा मामला यूपी के सीतापुर थाना कमलापुर क्षेत्र का है, जहां एक मूक बधिर लड़की मंदिर गई हुई थी। मंदिर की कुछ दूरी पर लगे हैंडपंप से पानी पीते समय लड़की का किया अपहरण। परिजनों की माने तो अपहरण करने का डायल 100 पर आरोप है कि पूरा दिन बंधक बना के रखना व मारपीट करने का डायल 100 पर मूक बधिर लड़की ने लगाया आरोप। इतना ही नहीं, डायल 100 द्वारा लड़की को खिलाई गई टेबलेट न खाने पर लड़की को पीटा व पूरे दिन बंधक बनाकर रखा। परिजनों के काफी खोजबीन करने के बाद नहीं मिली लड़की। वहीं शाम करीब 9 बजे लड़की को गांव के बाहर नहर के पास छोड़कर हुए फरार। अपने घर पहुंचकर लड़की ने परिजनों को इशारे में बताई आप बीती। परिजनों द्वारा थाना अध्यक्ष, जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र, फिर भी नहीं हुई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर धमका कर अंगूठा लगवाने व थाना से भगाने का लगाया आरोप। अब देखना यह है कि मूक बधिर लड़की के साथ हुए अन्याय का क्या वाकई में मिलेगा न्याय, या पीड़ित परिवार यूं ही दर दर की ठोकर खाने को रहेगा मजबूर। मोबाइल तेरे बात की। हाँ देखो समझ गया, बंदूक डा दी। हम कौन लोगों ने बताया ना तेरी? ले बंदूक डा दी। गई थी ना, क्या हुआ था पूरा मामला? मंदिर गई, परिक्रमा का चल रहा, पानी पीने के लिए लड़की हमारी गई नल पर, वहाँ से लड़की हमारी गायब कर दी गई, मुंह बांध के ले गई। फिर हम सुबह जब मंदिर देखे ढूंढे लगे तो लड़की हमारी नहीं मिली, तो हम सब मेला ढूंढा, कईयों बार ढूंढा और पूरा अपन सब पूरी जवाहर ढूंढा सुबह, और शाम लगे लड़की हमारी नहीं मिली। 8 बजे रात में है ये लोग छोड़ गए। कौन लोग? अब कौन लोग है, 100 नंबर छोड़ गए। लड़की जब मिली तो लड़की ने क्या बताया? तब लड़की बताया हमको छोड़ गई। अच्छा, कौन लोग लेके गए और कौन लोग छोड़ के गए, कुछ तो बताया होगा। लड़की क्या गूंगी बहरी है क्या? गूंगी बहरी है नहीं। अच्छा, तो इशारे में कुछ समझाया होगा आपको? क्या बताया? ये हम कहा हुआ 4 पहिया गाड़ी से लाए आसपास घुमाते, अच्छा, और वहाँ जब बुड्ढी लगाने वहाँ हमका छाड़ गयी। अच्छा, अब पुलिस है नहीं। अरे तो बताओ ना कौन से। मामा तुम्हारे ये अस वाले, और जब अस लेके गए रहा है तो हुआ मिला रहा, हुआ कोई मिला रहा गाड़ी में जब हुआ। हाँ तब नहीं, जब हुआ गई रहो। हाँ तो आ दिया गई अपने हुआ, तब हुआ लिखे रहो अपने अस वाले, अपने चाचा का नाम लिख लेते। हाँ भाग गया लेके गाड़ी, भाग गया लेके गाड़ी। हाँ देखो कहा जब हुआ पहुँचे तो भाग गए। नहीं रुको, जब तुम अशोक जागी रहो तो तुम्हारे वही रहे हुआ के, और तुम्हारे ये असवाले 3 जने गे रहो हुआ, तो तुम देखे रहो हुआ। बता रही बैठे रहे देखे तो इसी से भागे भागे। बता रही मंदिर जाए तेरा बड़ी लड़की पानी वाटा तेरा जाको सब बताए। जाने
नहर पर उतारे घड़ी पर देखी है तब नहर बताइए। अब समझ गए दिन चलेगी जने गाड़ी पर लग गए है तीन जने गाड़ी पर के उई मार जब हम तीन जने हुए डराएगा तुमका देख के तब है मार तब है। यहाँ से मेला गई थी परिक्रमा करने ठीक है वहाँ पर पानी पिया पानी पीने के समय पर दो लोग आए और इनको पकड़ लिया फिर इनको पकड़ कर ले गए फिर ले जाने के बाद चार पहिया 100 नंबर वाली गाड़ी में बैठा दिया वहाँ से ले जाकर दिन भर वहीं बंदी बनाकर रखा और मारा पीटा धमकाया एक टिक्की दी उस लड़की ने नहीं खाया चाय दी लेकिन खाया नहीं उसके बाद रोके रहे रोकने के बाद हम यहाँ पर ढूंढते रहे वो वहाँ रोके रहे फिर शाम को 9 बजे रात पर गौरा के समय छोड़ दिया लड़की तब हमको मिली जब हम सुबह गए तो वहाँ पर हम उसने बताया यानी कि वहाँ पर चलो टोल टैक्स पर वह गाड़ी खड़ी मिली जब उनसे फोन गाड़ी थी 100 नंबर की गाड़ी थी मंगलोरो वो वहाँ पर खड़ी थी उस पर जाकर लड़की ने हमको बताया ये तीन लोग थे हमको रोके रहे दिन में फिर बाद में शाम को छोड़ा था फिर जब उनको हम पूछने चाहे तो गाड़ी लेकर वो भाग गए। क्या लड़की बता कुछ बोल सकती बता सकती है वो लड़की सुन बोल नहीं पाती है गूंगी है गूंगी है। अच्छा अच्छा पहचान लेती है पहचान अभी लेगी। तक अभी तक इसकी शिकायत आपने किस किस को किया है किया शिकायत थाने गए रिपोर्ट की वहाँ से फिर जब नई सुनवाई गई तो डीएम फिर गए डीएम के साहब ने जब पहुंचे पेश हुए तो वहाँ से लिख कर दिया गया फिर वो गाड़ी बुलाई गई थाने में फिर वो गाड़ी नहीं बुलाई गई जिसमें वो थे और गाड़ी को दिखाकर और हमारा फैसला यह कर दिन उनके बाद कोई उचित फैसला हमारा नहीं गई कहीं वो आदमी नहीं मिले जो भगे हुए हैं वो आदमी नहीं अच्छा, दूसरी गाड़ी बुला दूसरी गाड़ी दिखा दिया और कहा कि अब नहीं मिलेगी वो गाड़ी आप ढूंढो जाकर अब हम प्रयास तो कह रहे ढूंढने की। अच्छा अच्छा आप क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं अब हम तो चाहते हैं कि जो मतलब आदमी ले गए हैं वो आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती फिर अगला कदम क्या होगा।